वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलमान आपकी खिदमत में हाजिर एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ। तो जी दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पायोनियर के बारे में, कि आप पायोनियर का अकाउंट किस तरह बना सकते हैं और आप इसको किस तरह फर्दर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि अगर आप फ्रीलांसर हैं या अमेज़ोन वगैरह पर काम करें तो आपको पायोनियर की अकाउंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस वीडियोज़ में आपको स्टेप बाई स्टेप एक एक चीज़ आपको बताऊँगा कि आप अपना पायोनियर का अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, और वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं अपने सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास इस तरह की वीडियो लम्हा बा लम्हा मिलती रहे। तो जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के आप लिखेंगे पायोनियर। ठीक है, जब आप पायोनियर लिखेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन आएगी, पायोनियर पेमेंट, पायोनियर साइन अप पाकिस्तान। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट इंटरफेयर ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है साइन अप एंड अर्न $25। आप इस पर क्लिक कर देंगे। आपको एंड में मैं ये भी बताऊँगा कि अर्न $25 किस तरह आप कमा सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास देखिए ये पांच ऑप्शन ये आ रही हैं और साइन अप। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप साइन अप करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इन ऑप्शन में कोई एक क्लिक करेंगे। आप फ्रीलांसर हैं, अगर ऑनलाइन सेलर हैं, ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ोन, ईबे या किसी चीज़ पे करें तो आप इस पर क्लिक करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग करें तो आप इस पर करेंगे। मैं इसको इंडिविजुअल पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इंडिविजुअल पर आपने बताना है भाई आपकी पेमेंट्स कहाँ पर आएंगे, किस किस तरह यूज़ होंगे। मैं इसको इंटरनेशनल पर कर देता हूँ। ये रजिस्टर का ऑप्शन है, आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जी, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे चार ये आपने फिल करने हैं। ठीक है, फॉर्म एक तरह का समझ लें। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं इंडिविजुअल और कंपनी। अगर आपने एलएलसी बनाई हुई है तो आप कंपनी पे करेंगे। ठीक है, ये आपके पास फिर सारा आपका एलएलसी का डिटेल मांगेगा। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल बनाऊँगा। ठीक है, इंडिविजुअल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको कहेगा फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल, रेंटर ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें फिल करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपने सारी ऑप्शन फिल कर देनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सारी ऑप्शन फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि ईमेल एक दफ़ा ही यूज़ होगा और आपका फ़ोन नंबर भी एक दफ़ा ही यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप आएंगे, आपका कंट्री पाकिस्तान है, आपने स्ट्रीट नंबर लिख देना है, सिटी टाउन लिख देना है, अपना जिप कोड लिख देना है, उसके बाद अपने फ़ोन नंबर लिखना है। यहाँ पे फ़ोन नंबर जब आप लिखेंगे तो आपका वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड आप जब डालेंगे तो आपका नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं ये चीज़ें फिल करके आपको आगे नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो जब आप उस पर कोड डाल देंगे, ठीक है, आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट आगे ये चीज़ आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो जो जिप कोड होता है ना, ये पोस्टल कोड होता है। ठीक है, जब भी आप जिस भी सिटी से है ना, तो आप गूगल पे लिखेंगे यहाँ पे जाके, ठीक है, कि भाई अगर आप रावलपिंडी के रावलपिंडी पोस्टल कोड, या आपको सारे पोस्टल कोड दे देगा और आप वहाँ पे उस पर इंटर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेटअप ये आ जाता है कि आपने इंटर पासवर्ड करना है, फिर इंटर पासवर्ड, फिर आपने कोई भी सिक्योरिटी करना ये सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपने इसका आंसर दे देना है। इसके बाद अपना आईडी कार्ड डालना है, फर्स्ट नेम आपने वो लिखना है जो उर्दू में हो, आपके आईडी कार्ड में जो नेम होगा ना इंग्लिश में वो आपने यहाँ पे उर्दू में लिखना है। ठीक है, आपने वो भी किस तरह करना है, गूगल पे आके आपने यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, अपने नाम को, या आप किसी भी तरह उसको उर्दू में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको कह रहा है भाई आप ये लिखें, ये क्या लिखा हुआ है, 8DA9J। ठीक है, ये आपने लिखना है, ये बड़े कैपिटल में है तो मैं इसको बड़े में ही लिख के फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। ठीक है, जब आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन में आपने अपना PKR है ना, PKR की जगह आपने क्या कर देना, USDT कर लेना। ठीक है, अगर आप PKR है तो आपका ये स्विफ्ट कोड मांगेगा। ठीक है, आप स्विफ्ट कोड भी दे सकते हैं, अगर आप PKR करेंगे, USDT करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका अकाउंट बन जाएगा और आपको दो दिन बाद मेल आ जाएगी कि भाई आपका ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, मैं अब इधर बैंक नेम डालूंगा। ठीक है, मेरे पास कौन सा, मैं नया पे कर रहा हूँ। ठीक है, नया पे का मैं अब IBN नंबर डालता हूँ, उसके बाद मैं क्लिक करके इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, ये करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँ। सबमिट करने के बाद देखें, एप्लीकेशन कंप्लीटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, ये आपके पास अब मेल आ जाएगी,
आपको 1 से 2 दिन बाद ही आपको मेल रिसीव हो जाएगी भी आपका अकाउंट बन चुका है। ठीक है, ये अकाउंट आप अपना कहीं पे भी ईबे शॉपिफाई अमेजोन वगैरह कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो पे नया पे का भी बताऊंगा कि आप किस तरह नया पे का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास सिर्फ आईडी कार्ड होना चाहिए और उससे आप इंशाल्लाह इजीली अपना कार्ड बना लेंगे, वो आपके हफ्ते तक आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा और आप उसे अपना बैंक अकाउंट, एक तरह का वो आपका बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको लम्हा बाय लम्हा मिलती रहे। इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।